सीधे रुक कर लेते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संबोधन का। चालू करें आप लोग ठंड में इतना तकलीफ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मुस्कराने के लिए कोशिश कर रहा था। आज किसान संगठनों के साथ भारत सरकार की 10वें दौर की चर्चा पूर्ण हुई। इस चर्चा में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अफसर और किसान यूनियन के नेतागण उपस्थित थे। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आंदोलन की दृष्टि से भी उसका महत्व था, क्योंकि आज परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और हमारी कोशिश थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करके बैठक प्रारंभ हो और आज ही बैठक में कोई ना कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन परंपरागत रूप से अपनी रिपील की मांग पर थी और सरकार खुले मन से, बड़े हृदय से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, सब तरफ से विचार आए और चर्चा नरम और गरम होती रही। कई दौर चर्चा के हुए। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, यह सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी और इसलिए हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को यह प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सके और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है, क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है
कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। कमेटी बनाने की भी तो बात है, कमेटी आप लोग कानून को रोक के कमेटी भी तो बनाने की। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। इस कमेटी में सदस्य कितने होंगे इस पर भी कुछ तय होगा या सरकार आपस में तय करके बताएंगे कितने हैं? दरअसल आज तो बातचीत हुई है, जब सिद्धांत इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। कुछ किसान बात कर रहे थे कि केवल ये एमएसपी के लिए कमेटी, ऐसा नहीं है तो मैंने शब्द यूज किया आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर। ट्रैक्टर यात्रा पे भी कोई बातचीत हुई क्या? ट्रैक्टर यात्रा जो निकालेंगे किसान उसको रोकने के लिए अपने कोई? स्वाभाविक रूप से जब हमने 1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर आज के इस डिसीजन से ये किसकी जीत हुई? आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व तो नहीं। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी आने वाले दिनों में? लग रहा है कि अब हल निकल सकता है जैसे उन्होंने भी आगे बढ़ी कुछ लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, आपने मना कर दिया कि तहरीक ऑफ द लॉज जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो क्लॉज बाय क्लॉज होगी, तो कह रहे नहीं एक कड़ा रुख लेते हुए सरकार की, तो हम जो भी है यहीं से आगे बढ़ना है और एक मिडिल ग्राउंड की ओर दोनों को पहुँचना पड़ेगा? देखिए दरअसल बैठक के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं लेकिन बैठक की जो दिशा होती है और जो उसका जेस्ट होता है वही आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। होगी बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे। सरकार की तरफ से आप किसानों की तरफ से क्या उस पर रुख रहा था? देखो हमारा रुख तो हमारा केस तो बड़ा स्पष्ट है, अपील करने के लिए प्रपोजल आती है, प्रपोजल को एकदम ऐसा भी नहीं कि एक्सेप्ट कर लें रिजेक्ट कर दें, तो उस पर 40 से अलावा और भी तो ऑर्गेनाइजेशन है ना बहुत देश की, तो उनसे भी विचार चर्चा करनी है। हमने कहा ऑलराइट आपकी प्रपोजल आ गई है कि आप साल 1.5 साल के लिए
एफिडेविट फाइल करके कानूनों को स्टे करना चाहते हैं। तो 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। 10वें दौर की बातचीत जो विज्ञान भवन में चल रही थी किसान संगठनों और सरकार के बीच बेनतीजा रही है। 22 जनवरी अगली तारीख तय कर दी गई है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, हम सुन रहे थे अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, सिर्फ तारीख बदली है, शब्द वही है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि अगली बैठक में समाधान निकलेगा, एक बार फिर से आशा जता रहे हैं कि अब जो अगली बैठक होगी 22 जनवरी को उसमें समाधान निकलेगा। देखिए, बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने प्रपोजल दिया है किसान नेताओं को कि वो कोई भी सहमति बनने तक इस कानून को 1 से 1.5 साल तक होल्ड पर रखने के लिए तैयार है। इस प्रपोजल को लेकर उन्होंने ये आश्वासन दिया है किसान नेताओं ने, इस पर वो कल चर्चा करेंगे, कल वो अपनी बैठक करेंगे और इसीलिए 22 तारीख का बैठक बुलाई गई है। तो उसमें किसान नेता अपना पक्ष रखेंगे। सरकार की ओर से अब तक अगर देखें तो गतिरोध बना रहा 9वें दौर की वार्ता तक, आज 10वें दौर की वार्ता थी, एक बड़ा कदम जो सरकार की ओर से माना जा रहा है। ऐसे वक्त जब किसान आंदोलनकारी नेता अपनी मांग पर कायम है, तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, वो लगातार बैठक में ये पक्ष रखते रहे। एमएसपी कानून को लेकर भी उन्होंने स्थिति साफ की है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए क्या इस पर अलग से कानून लाएंगे, क्या इसकी स्थिति रहेगी एमएसपी को लेकर, जवाब चाहते थे। इस जरूरत से गतिरोध बना रहा था और इस बीच सरकार ने एक बार फिर तमाम चीजें दोहराई, कहा कि ये कानून बदलाव लाने वाले होंगे, किसानों को फायदा होगा, साथ ही उन्होंने वो तमाम दलीलें दी जो पिछली बैठकों में वो दोहराते रही है, लेकिन किसान नेता नहीं माने। किसान नेताओं ने एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से जो नोटिस भेजे गए हैं किसान नेताओं को, उनका भी मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर जवाब देने को कहा और ये आरोप लगाया कि आंदोलन के बीच उनको परेशान किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि आप हमें जो बेगुनाह है उनके नाम बताइए, अगर परेशान किया जाता है तो हम देखेंगे। तो ये जरूरत है, बैठक आगे बढ़ती रही, शाम होते होते ऐसा लगा कि बैठक बेनतीजा रहेगी। 10वें दौर की राउंड की बातचीत बाहर आ गए किसान नेता, उद्यान भवन के अंदर ही बैठक खत्म हो गई और उस पर नई तारीख भी नहीं मिली, लेकिन फिर सरकार ने नया प्रपोजल दे दिया और उन्होंने कहा ठीक है हम कानून को होल्ड पर रख देते हैं और एक कमेटी बना देते हैं जिसमें सरकार और जो किसान के प्रतिनिधि हैं वो शामिल रहेंगे, लेकिन एमएसपी को लेकर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया और कानूनों को होल्ड पर रखने की बात की गई। उसके बाद किसान नेताओं ने अपनी बैठक अंदर ही शुरू कर दी, आपकी बैठक, इसमें वो किसी सहमति पर पहुंचने से पहले एक पूरी जो कमेटी है, अलग अलग किसान संगठन जो इस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल है उनके साथ संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी, जत्थेदारों की बैठक पहले होगी 12 बजे और फिर 2 बजे वो बैठक करने वाले हैं। उसके बाद वो सरकार पर के प्रपोजल पर विचार करेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। 22 तारीख को बैठक बुलाई गई है। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि आज की बैठक में एक बड़ा यहाँ पर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है, यानी किसी कानूनों को होल्ड पर रखने की बात उन्होंने कही अपनी तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये होल्ड पर रखा गया है, लेकिन सरकार की ओर से प्रस्ताव आना यानी एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या आंदोलनकारी किसान नेता फैसला करते हैं, क्योंकि वो अभी भी इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रदीप, जैसे कि आप जानकारी भी दे रहे, एक प्रपोजल दिया गया है किसानों को, इस प्रपोजल की बड़ी बातें क्या है, क्योंकि आज हम बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, काफी लाइटर मोड में बात करते हुए नजर आए, बॉडी लैंग्वेज भी काफी कूल थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की आशा वो जता रहे हैं इसे देख आगे जो बैठक होगी जरूर उसमें कुछ सकारात्मक निकलेगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा सरकार को अब उम्मीदें दिख रही हैं कि इससे बड़ा प्रस्ताव वो नहीं दे सकते और ये भी चर्चा है कि जब सरकार खुद कहती है कि 1 से 1.5 साल तक वो होल्ड पर रख लेंगे, तो इस बीच निश्चित तौर पर ये मानिए कि ये कानून तब तक ठंडे बस्ते में चला जाएगा और इसलिए इस पर अगर आंदोलन को खत्म करने की पहली प्राथमिकता है, अगर आंदोलन खत्म हो जाता है उसके बाद इस पर सहमति बनाने की कोशिशों के लिए सरकार को वक्त मिल जाएगा, यानी सबसे पहले आंदोलन को खत्म कराने की चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है ये मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और ऐसे में देखिए, आप 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है किसान नेताओं ने और वो उस पर कायम है, तो ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए किसान और जिस तरीके से वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं ये मुश्किलें पैदा करता है और इसीलिए सरकार ने अब बदली रणनीति में एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। अब किसान नेता इस पर क्या निर्णय लेंगे ये देखना होगा, क्योंकि उनकी आशंकाएं हैं कि सरकार देर सवेर इसको होल्ड पर रखकर
फिर अचानक इसको लागू कर सकती है और ऐसे में फिर उनके लिए मुश्किलें होंगी। इस आंदोलन को इतना बड़ा जितना उन्होंने बनाया है, जिस मांग को लेकर वड़े हुए हैं, अगर वो पीछे हट जाते हैं तो क्या इस तरह के आंदोलन की रूपरेखा फिर से तैयार हो पाएगी? बड़े सवाल है और इसलिए वो फिलहाल अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखते। तो अब देखना होगा कि अंतिम निर्णय वो क्या लेते हैं। इस पर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं की है। किसान नेताओं ने बैठक के बाद कई नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कल बैठक वो संयुक्त मोर्चा की करने वाले हैं और उसके बाद वो अपने निर्णय पर पहुंचेंगे और उसके बाद सरकार को उसकी जानकारी देंगे। तो अभी फिलहाल इस पर असमंजस बना हुआ है क्योंकि विज्ञान भवन के अंदर भी जो किसान नेताओं ने सरकार के प्रपोजल के बाद बैठक की है वो भी काफी देर तक चली है, लेकिन उसमें सहमति नहीं मिल पाई। यही बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर यहाँ पर दिखाई देता है कि अब शायद यहाँ पर जो पूरा दारोमदार है इस बात को लेकर है कि क्या किसान नेताओं के बीच सहमति बन पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस मांग को लेकर वो चले हैं अगर वो उसके पीछे हट जाते हैं तो ये बड़ी यहाँ पर न तुम जीते ना हम हारे वाली बात होगी। और सरकार भी हलफनामा देने के लिए तैयार भी है, वो कह रहे हैं कि अगर आप हैं तो सरकार हलफनामा देने के लिए तैयार है। तो ये जरूर है कि इन आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने प्रपोजल आज रखा है, तो ऐसे में उम्मीदें बनती हैं आगे के लिए और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अब किसान नेताओं की अगली रणनीति क्या होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के।